सो गाइस वेलकम बैक, मैं हूँ शान। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपके 90% नहीं आते। काफ़ी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के बोर्ड के बच्चे ऐसी गलतियाँ करते थे कि जिनकी वजह से उनके नंबर जो है वो अप टू डेट नहीं हो पाते और 90% जो चाहते वो नंबर नहीं आते। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ऐसी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको एंड में बहुत हेल्प करने वाली है। सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। भाई सबसे पहले बात करते हैं, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो रियलिस्टिक हैं, जो मेरे साथ हो चुकी हैं। मेरे को आप अपना बड़ा भाई और दोस्त मान सकते हैं क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई है, जो मैंने देखी है और जो चीज़ एक्सपीरियंस हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी नोट्स, ठीक है। मैंने काफ़ी बच्चों के साथ देखा, बच्चों के नोट्स कंप्लीट नहीं होते टाइम पर और जिनकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो खतरे में चले जाते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं क्योंकि एंड टाइम पर आपको पढ़ने के लिए स्टफ चाहिए और जब आपका स्टफ़ ही नहीं होगा तो आप नंबर कहाँ से लाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टफ़ लाना है अपने पढ़ने के लिए, आपको नोट्स प्रिपेयर करके रखना है। अच्छे नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको एंड में दिक्कत नहीं होगी। नोट ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, नॉर्मल नोट्स होने चाहिए जो कि आप पढ़ लो। दूसरी बात यह है कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि भाई इस टीचर के नोट्स अच्छे हैं जी, हम तो हेल्प बुक पढ़ेंगे, हम NCERT पढ़ेंगे, हम दूसरे सर के नोट्स पढ़ेंगे, हम दूसरे भैया के नोट्स पढ़ेंगे, इस चक्कर में कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसलिए एक नोट्स पर फोकस करें, तीन तीन नोट्स लेकर बैठेंगे। एक ही चीज़ बहुत तरीके से बताई जा सकती है। मैथ्स में एक क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, एक डेरिवेशन को आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का अपना एक तरीका है और अगर आप अपने नोट्स को खुद बनाएंगे बुक में से देखकर तो वो आपको चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरी बात है कि जी ट्यूशन, ट्यूशन बच्चे जाते हैं काफ़ी, वो क्या करते हैं 12th के बच्चे कि जी वो 2 महीने पढ़े, फिर 2 महीने के बाद वो कहीं और ट्यूशन लगाते हैं दूसरे टीचर के पास, फिर वहाँ 2 महीने पढ़े फिर दूसरे टीचर के पास, मतलब वो ट्यूशन ही चेंज करता रहता है पूरे साल। ऐसे बच्चे कहीं के नहीं रहते, नंबर बहुत कम आने वाले हैं ऐसे बच्चे क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो एक कम्फर्टेबल जोन में आ जाते हैं, भाई एक कम्फर्टेबल जोन रहता है किसी भी चीज़ के लिए। आप कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि जिनके साथ आप कम्फर्टेबल हो पाते, कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके साथ आप कम्फर्टेबल नहीं हो पाते। तो हर जगह कंफर्टेबल जोन रहता है, वो जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं वैसे आप दूसरी चीज़ों पर जंप कर देते हो। आप एक टीचर के साथ कंफर्टेबल हुए, आपने क्या करा दूसरा जंप कर दिया, दूसरे टीचर के पास चले गए, वहाँ आपको टाइम लग गया। तो आपको एक साल ही मिलेगा बोर्ड के लिए और एक साल को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है जब भी आपको नंबर मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जी बच्चे सैम्पल पेपर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप 2021 बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं काफ़ी 10th और 12th, जो भी बच्चे हैं वो सैम्पल पेपर प्रिपेयर नहीं करते, सबसे गलत बात यह जिसकी वजह से उनके नंबर नहीं आ रहे, इस चीज़ को आज ही रोक दीजिए। इसलिए टाइटल रखा है स्टॉप दिस थिंग, ठीक है ना, फ्रॉम नाउ या नाउ। तो बात करते हैं कि जी सैम्पल पेपर कैसे, सपोज करो CBSE ने कोई भी अपडेटेड सैम्पल पेपर डाला है, उसे निकालो और 3 घंटे में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, एक पैटर्न देखना है कि जी हाँ हमारे 5 नंबर में इतने क्वेश्चन आएंगे या हमें और में इतनी ज़्यादा चॉइसें मिलेंगी। तो चॉइसें आपको पता होनी चाहिए, ओके, चॉइसें आपको पता होनी चाहिए कि आपको इतनी चॉइसें मिलेंगी इस क्वेश्चन में। ये तो ही आपकी चॉइसेस की बात, आपको सैम्पल पेपर करने हैं, काफ़ी बच्चे सैम्पल पेपर नहीं करते पर करने जरूर है। बात करते हैं 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर की, ठीक है 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर करें तो और बेटर रहेगा। आपको क्या करना है 10 ईयर क्वेश्चन पेपर करना है जो कि आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि सैम्पल पेपर के साथ साथ अगर आप बोर्ड पेपर करेंगे 10 ईयर के तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहेगी जो कि एग्जामिनर को अच्छी लगेगी या फिर जो कि आपको क्या होगा, आपको एक नई चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ हमें इसमें से भी तैयारी करनी चाहिए। तो गाइस अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन। आपको पता ही है कि जी ऑनलाइन काफ़ी ज़माना अब आगे बढ़ रहा है ऑनलाइन, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं काफ़ी और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एकदम कोई लिंक आ गया कि यूट्यूब पर कोई भी एक आपकी फनी वीडियो आ गया आप उसे देखने लगे या आपके फ्रेंड का मैसेज आ गया आप उसे देखने लगे। तो ये डिस्ट्रक्शन को आपको खत्म करना है, बस एंड में ये डिस्ट्रक्शन है जो आपको 90% लाइन से रोक सकता है। ये मेन पॉइंट है, बाकी मेन पॉइंट फॉलो होना हो पर इसको जरूर फॉलो करें क्योंकि ये डिस्ट्रेक्शन अगर हट जाएगा तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका एक टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है, बीच में क्या हुआ डिस्ट्रेक्शन आ गया तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो आप जैसे पढ़ाई करने बैठे तो वहाँ पर आपका एकदम डिस्ट्रेक्शन आ गया, तो इस चीज़ को आपको रिमूव करके चलना है। तो हमारी टॉप टिप्स क्या थी कि जी आपको नोट्स प्रिपेयर करने, खुद से एक ही नोट्स रखें, अलग अलग ट्यूशन, अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं तो अलग अलग ट्यूशन में ना भागें, एक ही ट्यूशन रखें, अच्छा पहले देख लें कि क्या ये ट्यूशन अच्छा रहेगा नहीं, NCERT करके चलें, सैम्पल पेपर जरूर करें, ठीक है जो भी अपडेटेड है रिसेंट सैम्पल पेपर जो भी आया है, बोर्ड के लिए 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर जरूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स देखें, और डिस्ट्रक्शन को रिमूव कर दें, डिस्ट्रक्शन बिल्कुल रिमूव कर दें क्योंकि अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकते हैं। तो गाइस ये थे मेरी तरफ से पॉइंट, अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं और वीडियो भी अच्छी लगी है
तो लाइक जरूर करके जाएं, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लगता है कि शेयर करने से लोगों का फायदा होगा तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।